प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के व्यवसायिक अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। हम इकाई 5 के अंतर्गत अध्याय 8 का अध्ययन यहाँ पर करेंगे, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण। एक संगठन में संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो अधिकारों का अंतरण अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि व्यापक रूप से अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अधिकार अंतरण अथवा भारारोपण, इसके संबंध में इसकी परिभाषा और इसका अर्थ, साथ ही अधिकार अंतरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे, और अधिकार अंतरण का एक संगठन में क्या महत्व है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने है अधिकार अंतरण अथवा भारारोपण, ये क्या है। अधिकार अंतरण एक संगठन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम देखते हैं जब एक संगठन का, एक व्यवसाय का आकार बढ़ता है, तो ये निश्चित रूप से संभव है कि एक व्यक्ति के द्वारा उस संगठन का, उस व्यवसाय के फर्म का को मैनेज करना, व्यवस्थित करना एक अकेले व्यक्ति के लिए संभव एवं व्यवहारिक नहीं होता। तो वो क्या करता है इस स्थिति में, वो संपूर्ण संगठन के उत्तरदायित्व को अकेले बहन कर सके या संगठन के संपूर्ण कार्य को अकेले कर सके, इसके लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो क्या करे, आवश्यक है कि वह इस कार्य के लिए अन्य व्यक्तियों की मदद ले, और जो उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो उनको अधिक कुशलता के साथ कर सके। तो इसके लिए जब वह अन्य व्यक्तियों को अन्य कार्य सौंपता है, तो उस कार्य के उत्तरदायित्व के साथ साथ कार्य से संबंधित अधिकार भी उसको सौंपता है, क्योंकि बिना उचित अधिकार के वो उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को दिए गए कार्य को पूरा करने का अधिकार देना ही क्या कहलाता है, अधिकार अंतरण कहलाता है। तो अधिकार अंतरण व अधिकार हस्तांतरण देखने में हमें समान भी लगते हैं। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं अधिकार अंतरण की। एक प्रबंधक चाहे वह कितना ही सक्षम क्यों न हो, उसे सभी कार्यों का निष्पादन अर्थात पूर्ण करने के लिए अधिकार अंतरण करना आवश्यक होता है, तभी वह संगठन के उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो एक प्रबंधक चाहे कितना ही कुशल हो, विशिष्ट ज्ञान वाला हो, सक्षम हो, परिपक्व हो, किंतु उसे सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जब उनसे कार्य कराता है, तो उसे अधिकार अंतरण करना आवश्यक होता है, तभी वो संगठन के लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि अंतरण के अंतर्गत एक उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊपर से नीचे की ओर से अधिकार का प्रत्यायोजन करना है, अर्थात उच्च स्तर का अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ऊपर से नीचे की ओर अधिकार प्रदान करता है। फिर अंतरण एक प्रबंधक के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करता है। जो अंतरण है वो उसके कार्यक्षेत्र में क्या करता है, वृद्धि करता है। बिना अंतरण के उसके क्रियाकलाप केवल उसके द्वारा किए गए कार्यों तक सीमित रह जाते हैं। यदि उसको वास्तव में अंतरित नहीं किया जाता अधिकार, तो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सीमित रह जाएंगे। अतः महत्वपूर्ण अधिकार अंतरण के बाद भी प्रबंधक कार्य की जवाबदेही से नहीं बच सकता। तो यहाँ जब मुख्य प्रबंधक अपने प्रबंधक को अपने अधिकार का अंतरण कर देता है, तो उसके बाद भी जो मुख्य प्रबंधक है उसकी कार्य की जवाबदेही तय रहती है, अर्थात अपने अधीनस्थों को कार्य अंतरण के बाद भी वह उस कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायी होगा। अधीनस्थों का अंतरित अधिकार वापस लिए जा सकते हैं तथा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारी को अधिकारों का अंतरण कर देता है, तो निचले अधिकारी के द्वारा कार्य तो संपादित किए जाते हैं, लेकिन इसका उत्तरदायित्व तो यहाँ उच्च अधिकारी का भी होता है। साथ ही उच्च अधिकारी के द्वारा जो अधीनस्थ को अंतरित अधिकार दिए गए हैं वो कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। तो ये कहलाता है अधिकार अंतरण अथवा भारारोपण। अब यहाँ हम देखते हैं कि अधिकार अंतरण व अधिकार के हस्तांतरण में अंतर, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, अधिकार अंतरण क्या है, अधिकार हस्तांतरण क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो अधिकार अंतरण व अधिकार हस्तांतरण देखने में समान लगते हैं, परंतु दोनों में अंतर है।
अधिकार के हस्तांतरण का अर्थ है स्वयं को प्राप्त अधिकार को बिल्कुल छोड़कर पूरी तरह से दूसरे को दे देना। मतलब हस्तांतरण से यहाँ तात्पर्य है कि जो उच्च अधिकारी को या जो संबंधित अधिकारी को अधिकार प्राप्त है वो अपने अधिकार को पूरी तरह से दूसरे को दे देते हैं, परंतु अधिकार अंतरण में ना तो सभी काम और ना ही सारे अधिकार दूसरे को सौंपे जाते हैं, बल्कि अधिकार अंतरण करने वाला सभी महत्वपूर्ण कार्य स्वयं करता है। कार्य सौंपने की बात वह तब सोचता है जब उसके पास काम का भार इतना अधिक होता है कि वह स्वयं पूरी कार्य कुशलता से नहीं कर सकता। तो ध्यान यहाँ पर रखें हम कि अधिकार अंतरण में केवल अधिकार का अंतरण होता है, दायित्व का नहीं। अंत में उत्तरदायित्व उसी का होता है। इसके अतिरिक्त अधिकार अंतरित करने वाला जब चाहे तब अंतरित अधिकार को वापस ले सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि अधिकार हस्तांतरण में अधिकारी के द्वारा जो उसको उसके जो अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से वो दूसरे को दे देता है और उत्तरदायित्व का भी हस्तांतरण दूसरे को कर देता है। लेकिन अधिकार अंतरण में अधिकार दिए जाते हैं और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, लेकिन जो उत्तरदायित्व हैं उच्च अधिकारी उन उत्तरदायित्वों से बरी नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी वहाँ पर बनती है। तो यहाँ हमने देखा कि अधिकार अंतरण क्या है और अधिकार हस्तांतरण क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनके आधार पर हम ये अधिकार अंतरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ये अधिकार अंतरण क्या है, एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, एक संगठन में ये सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें मुख्य प्रबंधक अपने अधीनस्थ को क्या करता है, कार्य सौंपता है, फिर उसके अनुरूप अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ मुख्य प्रबंधक जो अपने अधीनस्थ को काम सौंपता है और उससे जुड़े हुए अधिकार भी प्रदान करता है। ये प्रबंधक महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर इनमें से कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं व उससे संबंधित अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार अधिकार अंतरण क्या है, एक प्रक्रिया है और अधीनस्थ सौंपे गए कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पहला जो तत्व है वो क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। इस सामान्य प्रक्रिया में मुख्य प्रबंधक अधीनस्थ को कार्य सौंपता है, उससे संबंधित अधिकार प्रदान करता है और जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको अधीनस्थ ग्रहण करता है। तो ये पहली चीज है, एक प्रक्रिया। दूसरा है कार्य निर्दिष्ट करना या बांटना। दूसरा जो इसका तत्व है, उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य बांटना। अब यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है ये तय करता है कि कौन अधीनस्थ जो उनके हैं वो कौन कौन से कार्य करेंगे। तो ये निश्चित करता है कौन से कार्य या कर्तव्य उसे स्वयं निभाने हैं तथा कौन से कर्तव्य अन्य लोगों में बांटे जाएं। तो यहाँ अधिकारी ये देखता है कि उसके कौन से कार्य और कर्तव्य हैं जो स्वयं वो अपने पास रखे और बाकी जो कर्तव्य और कार्य हैं वो अन्य लोगों में बांट दे। तो यहाँ वो क्या करता है, अपनी स्थिति एवं योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण कार्यों को वो स्वयं अपने पास रखता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो उसी के द्वारा किए जाने चाहिए उनको वो अपने पास रखता है। बाकी जो ऐसे कार्य जो उस किसी और के द्वारा किए जा सकते हैं उनके भाग को जो है अधीनस्थों को सौंप देता है। अधीनस्थों को ऐसे कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए जो वो ना कर सके। तो साथ ही यहाँ ध्यान रखना है कि उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को जो कार्य सौंप रहे हैं उसको ध्यान रखें कि वो कार्य उनके द्वारा किए जा सकते हैं अथवा नहीं। यहाँ अधीनस्थों के कर्तव्य निश्चित करके वह उन्हें उत्तरदायित्व ठहराता है कि वे उस कार्य को संतोषजनक तरीके से पूरा करें। ऐसा करना अति आवश्यक होता है क्योंकि काम पूरा ना होने की दशा में उच्च अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होता है, ना कि उसका अधीनस्थ कर्मचारी। तो यहाँ दूसरे तत्वों में हम देखते हैं कि कार्य को निर्दिष्ट करना, तय करना, कार्य को बांटना और उच्च अधिकारी के द्वारा जो कार्य स्वयं उसके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य उनको अपने पास रखना, बाकी अन्य कार्य जो हैं जो उसके अधीनस्थ कर सकते हैं उनको आपस में बांट देना। तो यहाँ दूसरा बिंदु जो है उसका, एक प्रक्रिया के रूप में पहला है, दूसरा कार्य निर्दिष्ट करना अथवा बांटना। तीसरा बिंदु हमारे पास सामने आता है, अधिकार प्रदान करना। इसके अंतर्गत जो है अधीनस्थों को कर्तव्य कार्य बांटने के उपरांत उन्हें उपयुक्त अधिकार या सत्ता प्रदान की जाती है जिससे वे उस निश्चित कार्य को पूरा कर सके। अब उस कर्तव्य से जुड़े हुए उस उत्तरदायित्व से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो अधिकार अपने अधीनस्थों को देना जरूरी है, क्योंकि बगैर अधिकार के अधीनस्थ उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते।
तो कोई भी व्यक्ति जब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसे कार्य से संबंधित अधिकार प्राप्त ना हो। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि जो कार्य उसको सौंपा गया उससे संबंधित अधिकार भी उसको प्रदान किए जाए। एलन ने कहा है, अधिकार प्रदान की गई उन शक्ति व सत्ताओं का योग है जिनसे सौंपे गए काम को किया जाना संभव बनाया जा सके। तो यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे एक उत्पादक प्रबंधक को यह अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है कि विलंब से आने वाले श्रमिकों के विरुद्ध वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करे, तभी वह श्रमिकों से ठीक तरह से कार्य ले पाएगा। तो यहाँ पर उत्पादक प्रबंधक को मान लीजिए ये कार्य सौंपा गया कि सभी श्रमिक समय से आए, वो अपना काम करें, और यदि वह नहीं करते तो उन पर आवश्यक कार्यवाही करें। तो इस संबंध में जो अधिकार हैं, जब तक वो अधिकार उस उत्पादक प्रबंधक को नहीं दिए जाएंगे तब तक वो श्रमिकों के ऊपर अपनी लगाम नहीं लगा पाएगा। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर अधिकार प्रदान करने से ये है कि यदि जो कर्तव्य या जो दायित्व प्रदान किए गए हैं उससे संबंधित अधिकार यहाँ पर उनको दिए जाना आवश्यक है। अब यहाँ पर चौथा और अंतिम बिंदु आता है, उत्तर देता या जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो जब कार्य को हम बांट देते हैं उसको पूरा करने के लिए उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रदान कर देते हैं, परंतु उसके साथ साथ वह अपने प्रति जवाबदेही भी ठहराता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्य जब बांट दिया जाता है और इससे संबंधित जो उच्च अधिकारियों को अधीनस्थों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो यहाँ पर अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार कौन हो जाता है? अधीनस्थ। कार्य को कुशलता से पूरा करने के लिए आवश्यक है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को जिसे निर्दिष्ट कार्य के संबंध में अधिकार दिए गए हैं ये बता दें, यदि काम पूरा ना हुआ तो उसके लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह वो स्वयं होंगे। यहाँ पर उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ से काम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता है तथा अधीनस्थ को जिसे अधिकार मिला है अपने उच्चाधिकारी के सामने जिसने उसे अधिकार सौंपा है काम के बारे में स्पष्टीकरण देना होता है, यही उत्तरदेता कहलाती है। तो यहाँ पर उत्तरदेता क्या है कि जो कार्य अधीनस्थ को सौंपा गया है वो उस कार्य के प्रति जवाबदेह है और वो अपने कार्य की रिपोर्ट जो है वो समय समय पर अपने उच्चाधिकारी को प्रदान करेगा। ध्यान रहे, यहाँ अधीनस्थ कर्मचारी केवल अपने उसी उच्चाधिकारी के लिए उत्तरदायी होगा जिसने उसे अधिकार सौंपा है, अन्य अधिकारी के प्रति नहीं। उसी सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक उसे अधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंपकर और अपने प्रति उत्तरदायी ठहराकर स्वयं उत्तरदेता से मुक्त नहीं होता। अब यहाँ उच्च अधिकारी ने जो अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंपे हैं, कार्य सौंपे हैं, यदि कोई उनसे गड़बड़ होती है, कुछ परेशानी होती है, तो उसका उत्तरदायी जो है वो अपने अधीनस्थ बस को नहीं ठहरा सकता, उतना ही उत्तरदायित्व उसका भी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य करने की जो जिम्मेदारी दायित्व जो है वो उच्च अधिकारी की, उसने अपने उस कार्य को अपने अधीनस्थ को अंतरित किया है, अपने उच्च अधिकारी के समक्ष उसे स्वयं जवाब देना होता है। तो यदि निचले स्तर के द्वारा यदि कोई कार्य उचित रूप से नहीं किया गया तो उसका जवाब जो है उच्च अधिकारी को अपने से ऊपर वाले अधिकारी को देना होगा। तो ये चार प्रकार के हमने यहाँ पर तत्व देखे हैं, अधिकार अंतरण के प्रमुख तत्व, तो एक प्रक्रिया, कार्य निर्दिष्ट करना उसे बांटना, फिर कार्य से संबंधित अधिकार प्रदान करना, फिर उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। अब यहाँ हम देखेंगे अधिकार अंतरण के गुण, लाभ या महत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें हम देखते हैं कि कार्यभार में कमी। अधिकार अंतरण की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कर्तव्य व अधिकार जो है उच्च अधिकारी मध्य प्रबंध को व मध्य प्रबंध प्रथम श्रेणी को अंतरित कर देता है, जिससे प्रबंधकों का कार्यभार क्या होता है, कम हो जाता है और वे उपक्रम के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे प्रबंध की व्यवस्था क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। अब बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जो प्रबंधकों के लिए स्वयं करना या उच्च अधिकारियों के लिए स्वयं करना आवश्यक नहीं है, तो वो ऐसे कार्यों को जो उनके द्वारा किए जाने आवश्यक नहीं है
उन कार्यों को वो अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उच्च अधिकारियों के समक्ष उनके पास जो है कार्यभार में उनके क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब उनके पास वर्कलोड कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उपक्रम के जो दूसरे अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर ध्यान यहाँ पर वो केंद्रित करते हैं। दूसरा बिंदु हमारे पास सामने आता है समन्वय का साधन। अधिकार अंतरण जो है एक ऐसी संगठन संरचना का आधार होता है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक और अधीनस्थों के जो हैं कर्तव्य और अधिकार सुनिश्चित हैं। तो कर्तव्य व अधिकार के बीच में, आदेशों के बीच में एकात्मकता बनी रहे, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बना रहे, उनके बीच एकात्मता बनी रहे तथा सभी विभागों के बीच में समन्वय बनाए रखने में मदद यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो यह है समन्वय का साधन। फिर तीसरा है कर्मचारियों का विकास। अंतरण से क्या होता है, कर्मचारी को कार्य के दायित्व के साथ साथ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो अधिकार प्राप्त होने से, अधिकार संपन्न होने से एक कर्मचारी का विकास होता है। यहाँ पर कर्तव्य व अधिकार की प्राप्ति से कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का क्या अवसर प्राप्त हो जाता है और उनमें कार्य निपुणता आती है। अर्थात जब उनको यहाँ पर कार्य सौंपा गया, उसका दायित्व तो सौंपा गया, अधिकार सौंपे गए, तो वो उन कार्यों को बेहतर ढंग से करता है और उसमें कार्य निपुणता आती है और कुछ जटिल या कठिन प्रकृति के जो कार्य हैं उनको करके अपने भविष्य को वो उन्नतिशील बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधीनस्थ कर्मचारी जो है प्रतिभा तथा अनुभव का उनका विकास होता है तथा क्रमशः उपक्रम के महत्वपूर्ण दायित्वों को संभालने के लिए वो योग्य हो जाते हैं, उनका स्वयं का विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। अब एक कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि किस प्रकार से होती है अधिकार अंतरण में, कि अंतरण के अंतर्गत अधीनस्थों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। जब वो उन महत्वपूर्ण कार्यों को करने की जिम्मेदारी ग्रहण करता है तो उसके मनोबल में एक वृद्धि होती है, उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। जिन्हें वो सफलतापूर्वक कर लेता है और उसके संपन्न करने पर उसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ती है तथा उन्हें कार्य संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। अर्थात उसने जो कार्य किया है उससे उसको कार्य संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे उनके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है व उपक्रम के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकार अंतरण से महत्वपूर्ण कार्यों को कर्मचारियों को करने के लिए प्राप्त होने से उनका मनोबल यहाँ पर बढ़ता है और कार्य जब वो पूर्ण कर लेते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्य से संतुष्टि प्राप्त होती है और इससे उनका जो मनोबल है, जो आंतरिक उनकी शक्ति है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब एक कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि उपक्रम के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अंतिम बिंदु यहाँ हम देखते हैं बेहतर सामंजस्य। तो इसके अंतर्गत जो है अधिकार अंतरण जो है संगठन के विकास में यहाँ पर सहायक है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत अधिकार, उत्तरदायित्व, क्षमता, कर्तव्य और जवाबदेही जो संगठन के विभिन्न स्तरों से संबंधित है उसको व्यक्त करने में सहायता करते हैं। इससे क्या होता है, कार्य का दोहरीकरण रुकता है। हर एक संबंधित अधिकारी को उसके कार्य, उसके दायित्व, उसके अधिकार सौंप दिए जाते हैं, अंतरित कर दिए जाते हैं। इससे उसका उत्तरदायित्व तय हो जाता है, उसकी क्षमता तय हो जाती है, उसकी जवाबदेही तय हो जाती है, तो वो उसी कार्य को करता है जो कार्य उसको सौंपा गया है। इससे क्या होता है, कार्य का दोहरीकरण जो है वो रुकता है, अर्थात किसी कार्य के डबल होने की संभावना यहाँ खत्म हो जाती है। तो अधिकार दायित्व निर्धारित होने से वो अपने कार्यों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कर्मचारी को अधिकार प्राप्त होने से जो उसके लाभ है, उसका महत्व है कि सबसे पहला तो यहाँ पर ये है कि जो उच्च अधिकारी उनके कार्यभार में कमी आती है, फिर अधिकार अंतरण से समन्वय बनता है, फिर कर्मचारियों का विकास भी होता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है और साथ ही
सभी के बीच में आपस में एक बेहतर सामंजस्य बनता है। तो ये थे अधिकार अंतरण के गुण या लाभ या उसके महत्व।